नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करू छी मु स्मृति लग्ना देखिबा हेडलाइंस सिमिलपाल रे निया लिभाइबा को पहुंचिला पांचटी अग्निशम टीम जसीपुर बनखंड अंचल रे निया को आयत्त करबा को टीम रो उद्यम सप्ताह रु अधिक समय हेलाणी सिमिलपाल रो 18 टी स्थान रे लागिछि निया बहुचर्चित अंजना मिश्र गण दुष्कर्म मामला घटनार सीन रिक्रिएट कला अभियुक्त विवन विश्वाल कालरात्रि कला कहानी को कला वर्णना बारंग अंचल घटनास्थल खेला सीन रिक्रिएट पाणीपाई रास्ता रोक अचल नलकूप सचल दाबी 64 नंबर राज्य राजपथ बंद कले महिला रास्तार उभय पार्श्वे अटकी रही गाड़ी घटनास्थल में पहुंचे विडीओ संबलपुर मां समलेश्वरी मंदिर मुख्य रास्ता अवरोध दुकान खोलिबा को अनुमति न देबारु राजरास्ता को ओल्हैला दुकानी संघ जिला प्रशासन अनुमति परे भी मंदिर ट्रस्टी देउनाहंत बाली माफिया को बर्बर कांड जलेश्वर तहसीलदार आरआई को मरणांतक आक्रमण आरआई को गोड़ उपरे डंपर चढ़ाइले दुर्बृत्त घटनास्थल ड्राइवर हेल्पर फेरार चढ़ुची पारद बढ़ुची ताती राज्यर विभिन्न स्थान में 38 डिग्री उपरे तापमात्रा दिन 10टा परे घरु बाहरिबा मुश्किल आगो को आहुरी 3 रु 4 डिग्री बढ़िबा तापमात्रा घरु बाहरिले सतर्कता अपनाइबा को लोकंकु परामर्श एवं आज प्रभात पुरुष बिजु बाबूंकर जन्म जयंती 15 दिन धरि राज्यव्यापी पालन करिबो बीजेडी आज नवीन पटनायक बीजेडी सरकार को पूरी 20 वर्ष मुहूर्त को स्मरणीय करिबा पई दल पक्षरु व्यापक आयोजन संपूर्ण खबर को आसीबा बहुचर्चित अंजना मिश्र गण दुष्कर्म मामला अभियुक्त विवन विश्वाल को घटनास्थल को नहीं सीन रिक्रिएट करा जाई सीबीआई टीम सीन रिक्रिएशन करी तबे बारंग अंचल घटनास्थल को विवन को नहीं सीन रिक्रिएट करी सीबीआई केमिति थिला से काल रात्रि घटना सबकिछ वर्णना करी विवन विवन को टीआई परेड रे अंजना मिश्र चिन्हिबा परे दुईदिनिया रिमांड नहीं सीबीआई टीम 1999 मसीहा घटी से स्थान को नहीं तदंतकारी संस्था तनाघना चलाई विवन केमिति घटाई ए जघन्य कांड सीबीआई तहार खोलताड़ करुवा बेले से दिन कौन सब घटी गोटे परे गोटे विवन देखाई चली चंदका थाना अंचल रे जेउठी ए घटना घटी विवन को सेठा को नहीं छानभिन करुची केंद्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई विवन आज रिमांडर शेष दिन 1999 से कालरात्रि कलंकित कहानी संपर्क में विवन मुहरु सत बाहर करुची सीबीआई से भाई कुत्सित कांड पर केमिति राज्य बाहर को खसी पड़ाइला विवन केमिति ना बदलाय लुचिबारे सक्षम होता कहा प्ररोजन भिआई ए जघन्य अपराध क्यों माने ताको फेरार करिबारे सहयोग करिथिले ए सब दिग को फोकस रे रखी विवन मुहरु सत बाहर करिबा पई सीबीआई करुची चेष्टा ए बाबद्रे अधिक सूचना पई सीधासलख आमर प्रतिनिधि संतोष जेनांक पाकु जिबा जे सीबीआई ऑफिस सामनारे अछंती संतोष पूरा घटनार सीन रिक्रिएट करा जाईछि 1999 रो घटना एवं 2021 वर्तमान तो 22 वर्ष पर पूरा घटनार सीन रिक्रिएट करबा पुलिस पई केते चैलेंज रहीछि विवन केते सहयोग करीछि देखंतु निस्ताबे स्मृति लग्ना सीबीआई आज सकाळ सकाळ अर्थात भोर भोर आज सीन रिक्रिएशन होइछे एवं ठीक से 22 वर्ष तर समस्त कहानी को आज सीबीआई सामना रे रखी विवन एवं वर्तमान समय तार जा सूचना मिलूँ आज ही तार रिमांड सरुच कि समय पर अर्थात जितेबले तार तदंत प्रक्रिया जितकी बाट जाइला ताठू रिमांड रे आउ जहाँ जहाँ सीबीआई जानवा चाहूँगी सीबीआई को सबकि मिल सारापर सीबीआई ताकु मेडिकल टेस्ट करापर कोर्टे हाजर कर आज ये घटनार जहाँ जहाँ दरकार अच्छी कोर्ट को आवश्यकता करुच्छी जो मुख्य अभियुक्त भाव में दंडादेश करने से सबको सीबीआई ताकु उत्थापन कर आशा रखा जे सीन रिक्रिएट कर सीबीआई द्वारा एवं से कथा मध्य आउ गोटे आशा करा जे डीएनए टेस्ट करा विवन अर्थात विवन घर को निजित पर लोक सहित बर्तमान जो डीएनए टेस्ट द्वारा मिले दिजाव जे ये हूँ से विवन विश्वाल जे 22 वर्ष तले अंधार रातिर कहानी रचि जो कहानी पर राज्य राजनीति में हटचमट सृष्टि होता है और राज्य राजनीति में गोटे विराट परिवर्तन सृष्टि होता है यह सहित केस रे कौन कौन चार्जसीट्रे सीबीआई दाखल करुच्छे कहीं किए फेरार करा आर्थिक सहयोग किए कर बारंग किंग रु साधारण पाइप मिस्त्री ताकू किए बनई ये सब पचर मास्टर माइंड किए फेरार करने पचर किए
सेदिन से 22 वर्ष तर अंधार कहानी रचयिता किए ना हठात ये घटना घटी ये सब घटना संपर्क में बर्तमान सीबीआई ध्यान दौर और बर्तमान समय जहाँ सूचना मिली बिबन को आज रिमांड अवधि सरी जाऊँगी तो आहरी अनेक तथ्य सामना को आसवा बाकी अच्छी जो कथ कहते जे ये पूरा घटना पचरे किए षड्र रचि जे बिबन को फेरार करे सहयोग करते दिन धरी बिबन लुचवे सक्षम है ये पूरा घटना सामना को आसवाई अधिक तथ्य आवश्यकता रही रिमांड अवधि बढ़ावार संभावना रही कि देखु वर्तमान समय रिमांड अवधि ये बढ़ेगा संभावना ना जितेबाला टीआई प्यारेड्रे अंजना और तांको ड्राइवर ताकु चिन्ही सारी बिबन को चिन्ही सारी कोर्ट याद मोहर लगे कोर्ट जो तो निर्देश देवे जे अंजना और तांको ड्राइवर चिन्ही लोक हूँ बिबन विश्वाल ये प्रसंग में सब सब चिंतार विषय होता है ये आगुरी जी साक्षी प्रमाण थे भितर केत मृत्युवरण करनेक साक्षी प्रमाण वर्तमान समय सीबीआई निकट रू हजि पुलिस डायरी सेगुड़िक ना से लोक मृत्युवरण कर सारे और से तार भरपूरी करने ये दुई दिन रिमांड और बर्तमान समय जहाँ सूचना मिली जेहेतु अंजना मिश्र चिन्ह सारी दुईज या पूर्व यही घटना गिरफ होते हैं ये हूँ मुख्य अभियुक्त थिला तो निश्चित भाव आउ रिमांड न आनी पारे सीबीआई और कोर्टे हाजर करें और या विषय जहाँ तथ्य प्रमाण सबू सीबीआई हाथ में लगी मानवर कोर्ट का आगे विचारपति आगे रखा द्वारा दंड कठोर कठोर दंडादेश सीबीआई दावी करें या सहित जेहेतु से सीन रिक्रिएसन करवा ये गोटे पुलिस गोटे बड़ सुजोग क्षमा करेंगे सीबीआई गोटे बड़ सुजोग कहीं सेदिन कहानी कौन थी से सीबीआई को कही सारी सीबीआई को संपूर्ण मात्रा सहयोग कर सारी स्मृति लग्ना बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आम प्रतिनिधि थे अधिक सूचना दूसरे आमको रिमांड अवधि आज बिबन विश्वाल सरुची ता सहित सीन रिक्रिएट करा जे भाव में आप देखुंट सीबीआई पूरा टीम सीन रिक्रिएट कर 22 वर्ष तले से कालरात्रि कराल कहानी कौन रही पुंखानुपुंख जानवापी पुलिस पुणि थे चेष्टा करण चर्चा को फेरी खबर अंजना मिश्र गणदुष्कर्म घटना जहाँ 22 वर्ष तलर एवं से जगह को जीवा सीन रिक्रिएट करवा ये बड़ चैलेंज रही सीबीआई सिमिलपाल रे निया लिभाइबा को पहुंचला पांचटी अग्निशम टीम मयूरभंज जसीपुर बनखंड अंचल रे निया को आयत्त करबा पई टीम रो उद्यम जारी रही सप्ताह रु अधिक समय हेलानी सिमिलपाल रो 18टी स्थान रे निया लागिछि सत चेष्टा करा जिबा सत्य मध्य नियार आ भितर मुकुलि पारु नाही सिमिलपाल अभयारण्य दीर्घ 10 दिन धरी अनबरत जळुछि एशिया महादेश रो द्वितीय बृहत जैव मंडल आखि पिछुला के जळी पड़ी पाउस होई जाउछि आखि पाउनथबा विशाल सबुज बनानी सिमिलपाल को लागिथिबा बारिपदा करंजिया रायरंगपुर बनखंड अंचल सबुठि क्षिप्र गति रे व्यापी चलिछि जंगल निया गोटे स्थान रे निया को आयत्त कला बेलकु आउ ठाए को लंबी जाउछि निया लक्ष लक्ष औषधीय वृक्ष ता सहित उपकारी गुल्म छोट बड़ असंख्य जीवजंतु नियारे दग्ध हेउथबा देखिबा को मिलछि पानीपाई रास्ता रोक दीर्घ दिन अचल नलकूप सचल दाबी महिला माने रास्ता उपरे धारणा देछंती एहाकु नै 64 नंबर राज्य राजपथ समेत पुराणा कटक संबलपुर रास्ता रे गाड़ी चलाचल संपूर्ण बाधा प्राप्त होईछि फळरे धारणा स्थल उभय पार्श्वरे बहु संख्या रे गाड़ी मोटर अटकी रहितबा देखिबा को मिलछि महिधरपुर गाँव फटा कांजिया एवं हाट छकर साही बासिंदा दीर्घ वर्ष हो पानी जल समस्या को नहीं दहगंज हो जाए गाँव में एकमात्र नलकूप उपर शताधिक गाँव लोक निर्भरशील होता बेले दीर्घ 10 दिन ऊर्ध्व समय हेब यह अचल हो पड़ रही वीडियो घटनास्थल में पहुंची समस्या रो समाधान करने चेष्टा करते भी अड़ बसी ग्रामवासी संबलपुर माँ समलेश्वरी मंदिर मुख्य रास्ता को अवरोध करा जाएगी अवरोध कले मंदिर दोकानी संघ दोकान खोलिबा अनुमति दिया जाउ नथिबारो रास्ता को ओल्हाइला दोकानी संघ माँ समलेश्वरी मंदिर मुख्य रास्त बाउंसर ब्यारिकेड कर प्रशासन पक्ष रास्ता बंद करोना कटकाई दोकान बंद रही मात्र बर्तमान मंदिर खोली कि मंदिर ट्रस्ट बोर्ड दोकान खोलिबा अनुमति दे नापड़ जो असंतोष सामना को आ
आज प्रबाद पुरुष स्वर्गत बिजु पटनायक जयंती ए महान नेता जन्मवार्षिकी सहित नवीन पटनायक बीजेडी सरकार को पूरी जाइछि 20 वर्ष एभले मुहूर्त को स्मरणीय करबा पई बिजु जनता दल पक्षरु व्यापक आयोजन करा जाइछि। 15 दिन धरी बिजु जयंती पालिबा पई कार्यक्रम मध्य प्रस्तुत करा जाइछि। बिजु बाबूंक प्रदर्शित मार्ग रे ओडिसा रो विकास यात्रा संपर्क रे जनसाधारण को अवगत करबा सह स्वाधीनता संग्राम रो रथी मानंकु ए अवसर रे श्रद्धांजलि दिया जिवो। 15 दिन धरी राज्यव्यापी बिजु जयंती रे दलर महिला युव व छात्र संगठन जरिया रे विभिन्न कार्यक्रम करा जिवो। बिजु बाबू सबुबेले गाँ को काम माँ को सम्मान रो कथा कहते बिजु बाबूंकर ए आदर्श को पाथेय करी मार्च 8 तारीख आंतर्जातिक महिला दिवस ठारु महिला मानंक सम्मेलनी रो आयोजन करा जाइछि। आजठू एप्रिल 17 तारीख बिजु बाबूंक श्राद्ध दिवस पर्यंत ओडिसा रो विभिन्न निर्वाचन मंडली रे रक्तदान शिविर मध्य आयोजन करा जाउछि। प्रभात पुरुष बिजु पटनायक जयंती को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ट्वीट कर लिखिंट राष्ट्र विकास पर बिजु बाबूं अवदान को मन पक प्रधानमंत्री कार्य आमपा प्रेरणा बोली प्रधानमंत्री। से भाई भाव में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर लिखिंट ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री को भक्तिपूत श्रद्धांजलि। प्रभात पुरुष बिजु बाबूंक 105तम जयंती अवसर में कटक आनंद भवन भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर्यंत साइकिल यात्रा आरंभ होईछि। बिजु युव एवं छात्र जनता दलर हजार हजार युवक छात्रकर्मी एथिरे सामिल होईछन्ति। रेवेन्शा महाविद्यालय पाकिस्तान पेशवार पर्यंत बिजु बाबू छात्र जीवन में 4500 माइल साइकिल यात्रा करथिले। से ऐतिहासिक यात्रा को आज मने पकाइछन्ति समस्ते एवं बिजु पटनायक जन्म जयंती रे एभली साइकिल रैली करा जाइथिबा युव व छात्र कर्मी माने प्रकाश करछन्ति। बिजु बाबूंकु भारत रत्न मिलबा पूर्वरु डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को मिलु भारत रत्न एभली कही पुणि थरे चर्चा को आसिछंती कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार राउतराय। तेबे एभली स्थिति रे सुरंकर एभली बयान पुणि थरे राजनीति महल रे हट्टचमट सृष्टि करछि। बिजु बाबू नुहे प्रथमे हरेकृष्ण महताब को भारत रत्न मिलु। महताब पाइबा पई एक नंबर रे थिबा बले दुई नंबर अच्छा बिजु बाबू तेणु प्रथमे महताब बाबू और तापरे बिजु बाबू को भारत रत्न मिलू बोली कही राजनीति में हटचमट सृष्टि करछि कांग्रेस जहाँ कुने बिजेडी कांग्रेस मुहांमुही। बिजु पटनायक 105तम जयंती पूर्व बिजु को भारत रत्न देवा दावी उठाई बिजेडी। बिजु जड़े सफल और साहसी जननायक होता बेले भारत सह अन्य देश में से लोकप्रिय बिजेडी हेले बिजेडी रो ए दाबी को विरोध करछि कांग्रेस। महताब को उपरे बिजु बाबू की बोली कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय प्रश्न करबा सह गडजाद मिश्रण रे महताब को बड़ भूमिका थिबारु प्रथमे तांको भारत रत्न दिया जाउ बोली दाबी करछि कांग्रेस। समस्त सब लेवल दाबी करछि ताको विचार को नवा दिहाजी दरकार। बिजु बाबू सम्मान तब गोटे नेता जातीय स्तर रे ता तीनटा देश रे पताका तांकर पत्र एमटा जातीय नेता आज बिरल अछि भारत बस माटी से होछि बिजु बाबू खाली ओडिसार गर्व नहो भारत बस गौरव आंतर्जातिक स्तर गौरव से व्यक्तित्व सम्मान निहाती निहाती हवा जरूरी आग महताब नियंतु कौन महता आगे बिजु बाबू अरे येलबड़ छत्तीस जो गड़ मिश्रण करछि हरेकुट महताब आए महताब जो अच्छा आग पाइना बिजु बाबू कौन पाइबे सेकेंड मैन से फास्ट डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। सेपटे बिजेडी राज्य स्तर ठारु आरंभ करी पंचायत स्तर पर्यंत बिजु जयंती को भिन्न ढंग रे पालन पई दल सबु प्रस्तुति करछि। निर्वाचन मंडली स्तर रे बिजेडी कार्यकर्ता ओ कर्मी माने बैठक करी बिजेडी सरकार जनकल्याण मूलक कार्यक्रम लोकंकु बुझाइबे। एथिसहित बिजुंक आदर्श रे अनुप्राणित होई दल पक्षरु निया जाइथिबा योजना को लोकंकु पाखरे पहुंचेबाकु योजना होछि। प्रशासन को स्वच्छ करने को 5T और मो सरकार सह कोविड सफल मुकाबला कथा लोकों पाखरे पहुंचाइबाकु मुख्यमंत्री निर्देश देते अनेपक्ष प्रसंग में बीजेपी कही बिजु बाबू को भारत रत्न दाबी करिपारे किछि असुविधा नहीं किंतु भारत रत्न पाए चयन कमिटी ही इस संपर्क में निष्पत्ति नेब यथार्थता थी पारे दावी करवा उचित फोरम जो सिलेक्शन कमिटी अच्छे
से कमिटी जी उपयुक्त मन कर जन ओडिशार मुख्यमंत्री थिले तांको जदि उपयुक्त मन कले दिया जाय पारे तबे प्रश्न बिजु को नारे गठन करा जैतिबा बिजेडी भारत रत्न दाबी करबा भितरे अन्य महापुरुष को भूली जिबा केते युक्ति युक्त भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन और प्रदीप कश दिव्यज्योति महंती और रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन दौंते नजर पकेबा कौन प्रसंग रही कौन अभिभाषण रखुछंती इसलिए मेरा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आग्रह है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाए। मैं तो आज भी आपके वेबिनार से कोई सुझाव निकलते हैं तो एक छोटा टास्क फोर्स बनाया जाए जो जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हो और हम इस मिलेट्स मिशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं दुनिया में इस पर हम सोच सकते हैं। ऐसी कौन सी वैरायटीज बन सकती हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों के टेस्ट के अनुकूल भी हो और हेल्थ के लिए बहुत ताकतवर हो। साथियों, इस वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी इन योजनाओं के लिए करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्शन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है, यानी सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का $520 बिलियन का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान है। अनुमान ये भी है कि जिन सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजना बनाई गई है उन सेक्टर में अभी जितनी वर्कफोर्स काम कर रही है वो करीब करीब 2 गुनी हो जाएगी। रोजगार निर्माण में बहुत बड़ा असर पीएलआई योजना का होने वाला है। इंडस्ट्री को तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में तो लाभ होगा ही, देश में आय बढ़ाने से जो डिमांड बढ़ेगी उसका लाभ होगा, यानी 2 गुना फायदा। साथियों, पीएलआई से जुड़ी जो घोषणाएं की गई है उन पर तेजी से अमल हो रहा है। आईटी हार्डवेयर और टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 2 पीएलआई योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है। मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर से जुड़े साथियों ने इनकी असेसमेंट अब तक कर ली है। आईटी हार्डवेयर के मामले में आने वाले 4 वर्षों में करीब 3.25 ट्रिलियन रुपए के प्रोडक्शन का अनुमान है। इस योजना से आईटी हार्डवेयर में 5 सालों के दौरान डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अभी के 5-10% से बढ़कर 20-25% तक हो जाना है। इसी तरह टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी आने वाले 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इसमें भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने की स्थिति हमें हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। फार्मा सेक्टर में भी आने वाले 5-6 सालों में एक प्रकार से लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पीएलआई के तहत होने की संभावना हम नकार नहीं सकते हैं। बड़ा लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। इससे फार्मा सेल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और एक्सपोर्ट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। साथियों, भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं वो खाली नहीं आ रहे हैं, वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह
और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। और ये संकट काल में जो भरोसा बनता है वो केवल प्रभाव ही पैदा नहीं करता, ये भरोसा चिरंजीव होता है, अमर होता है, प्रेरक होता है। भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है और नम्रता के साथ कर रहा है, हम कोई अहंकार के साथ नहीं कर रहे, हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, ये हमारे संस्कार है। इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। और ये भरोसा केवल वैक्सीन तक ही नहीं है, सिर्फ फार्मा सेक्टर की चीजों तक नहीं है। जब एक देश का ब्रांड बन जाता है तो उसकी हर चीज के प्रति। प्रधानमंत्री का अभिभाषण अपन सुनते, वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अभिभाषण सुनिबा, विजु जयंती अवसर में निजर शब्द लोकों पाखे रखुचार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सुनिबा। आपन मान को बड़े श्रम जो विजु जनता दल उड़ीसा वासी को प्रिय दल होई रही एवं रही थी। विजु बाबू को जयंती अवसर रे आपन मानन को समस्त को मोर शुभेच्छा जनावी। आज जेते बेले गाँव रो कच्चा घर रे रोई थिबा परिवार रो घर पक्का हेउछंती, ता घर को पाइप पानी आसुची, बिजुली आलोच रे ता घर उज्जवल दिसुची, सेते बेले ता मुहरे हस आसुची। आओ ता हेउछंती आम पाए सबुथरु बड़ो पुरस्कार। आज जेते बेले माँ दिए पंचायत ऑफिस रे बसे गाँव रो विकास कथा चिंता करी, मिशन शक्ति रो माँ दिए आज जेते बेले ऋण आनी परिश्रम करी व्यापार वृद्धि करी, परिवार पाए समृद्धि आनी, सेते बेले विकास रो चित्र उज्जवल दिसुची। सरकारी स्कूल रे पढ़ुथिबा पिल्ला पाए जेते बेले मेडिकल ओ इंजीनियरिंग पढ़ीबा पाए सुजोग सृष्टि हेउची, सेते बेले युव समाज रो स्वप्न दिगंत प्रसारी हेउछंती। क्रीड़ा क्षेत्र रे नुआ सुजुग युव समाज पाए ता प्रतिभा रो विकास रो रास्ता देखा जानती, विजु बाबू को नीति आदर्श और चिंताधारा आज आम प्रत्येक पदक्षेप रे रिफ्लेक्ट हेउछी। तथा भी आमको आहरी अनेक बात जीविका जीवा को अच्छी। आसंतु विजु बाबू को जयंती अवसर रे आमे समस्ते मिलीमिशी तांको आदर्श से चारिकोटी उड़ीसा वासी सेवा पाई पुणी थरे संपथ नेबा, उड़ीसा रो स्वाभिमान पाए लड़ाई जारी रखिबा। वंदे उत्कल जननी।
तेज प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक जन्म जयंती राज्यव्यापी अनेक कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि एवं जो आस्था राज्यवासी देखते सरकार को उपरे बा बीजेडी उपरे सेथिपई धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुथिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समय बुलेटिन को एट रखा मत विदाय दिंतु नमस्कार।